स्पिन 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। यूपी में पहले चरण के चुनाव में प्रचार के लिए महज 2 दिन बाकी रह गए हैं, लिहाजा आज से चुनावी गर्मी और तेज होने वाली है। इसी बीच हमारे संवाददाता आसिफ ग्राउंड पर निकले थे जाने के लिए कि डोर टू डोर वाले कैंपेन से पार्टियों को क्या और कैसे फायदा मिल रहा है, लेकिन इसी बीच देखा गया कि यूपी में सपा का डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। लोगों में से एक नेता ने खुद ही अपनी पार्टी की पोल खोल दी। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। इतनी बढ़िया स्थिति है कि समझ लो समाजवादी पार्टी से पंडित अमरपाल शर्मा जी अच्छे वोटों से जीत रहे हैं, क्योंकि विकास पुरुष हैं वो। समाजवादी पार्टी उनको विकास पुरुष समझ करके ही टिकट दिया है। सुनील शर्मा कह रहे हैं कि इतना शानदार काम किया उन्होंने इस एरिया में कि मौका ही नहीं देंगे उनको। इस एरिया में 5 साल में घर से ही नहीं निकले, वो सोते रहते हैं। अगर दो चले जाओ 4 घंटा वेट करोगे तब वो सो के उठेंगे, उसके बाद आपसे मुलाकात होगी। सुनील शर्मा कहते हैं या बीजेपी कहते हैं कि ऐसा चश्मा आप लोग पहने हुए हैं कि उनका विकास दिख नहीं रहा है। ऐसा है चश्मा नहीं, ये झूठों की सरकार है। झूठ का पुलिंदा मारते हैं, सामने कोई दिखाते नहीं है, सामने जो देखता है वही प्रत्यक्ष होता है। पंडित अमरपाल शर्मा जी बगैर विधायक रहने के बावजूद कोरोना काल में उन्होंने पब्लिक का इतनी मदद किया है, आज तक ऐसा कोई विकास पुरुष पूरे उत्तर प्रदेश से, पिछली बार विधायक रहने के बावजूद इनको उत्तर प्रदेश से प्रथम अवार्ड इनको मिला था। बताओ पूरा उत्तर प्रदेश, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है और विधायक नहीं थे, लेकिन पंडित अमरपाल शर्मा जी को मिला। और जमीन पर आप लोग जा रहे हैं, ग्राउंड पे जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या मिल रहा है इस बार? लोग इनसे इतना नाराज हैं कि हर गली में इनको दबे कुचले लोग दबे हुए हैं, नहीं तो भाई साहब डंडा लेकर के मारने को तैयार हैं। लोग खदेड़ लेते हैं, इनको शर्म आती है गलियों में जाने पे। लोग ये लोग विकास के बारे में बात नहीं करते हैं। अगर इनसे कोई प्रश्न करोगे आप, सीधे कहेंगे हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद बस। कि सपा वाले गुंडा वाले हैं, गुंडे की सरकार थी खत्म कर दी। गुंडे सरकार, अब ये बताओ अब इस टाइम गुंडाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि यही तो गुंडे हैं और यही सरकार में हैं, तो गुंडाई क्यों होगी? आज समाजवादी पार्टी सरकार आ जाए इनकी गुंडाई चालू हो जाएगी। समाजवादी पार्टी को बदनाम करते हैं, हमेशा बदनाम करते चले आए हैं, समाजवादी पार्टी को ही बदनाम करते हैं। ठीक है, ठीक है। बात करते हैं आपसे और लोगों से, डोर टू डोर जा रहे हैं, क्या माहौल दिख रहा है जमीन पर? ये चुनाव जनता बनाम बीजेपी हो चुका है, पार्टी विशेष का कोई रोल नहीं है, जनता बनाम जनता लड़ रही है। ये चुनाव आने वाला 2022 का चुनाव जनता लड़ रही है बीजेपी के भ्रष्टाचार से, ढोंगी सरकार से, जो बाबा ने परचम ये मंदिर और मस्जिद पे बांटने के चक्कर में लग रहे हैं, और मंदिर और मस्जिद पे जनता बांटने के चक्कर में नहीं, रोजगार पे चुनाव होगा, रोजगार पे चुनाव होगा और क्या नाम है मुद्दों पे चुनाव होगा। जनता जान चुकी है, आज की जनता बहुत ज्यादा समझदार है, ये भ्रमित करने का रोज रोल कर रहे हैं। मीडिया आपको आज भी दिखा रही है कि हमारी स्थिति मीडिया में बहुत खराब है, जो स्टिंग मीडिया है। डोर टू डोर सर आप लोग जा रहे हैं, क्या स्थिति देख रहे हैं इस बार? पूरा समर्थन मिल रहा है अखिलेश भैया को, और साइकिल ही जीतेगी इस बार सरकार, साइकिल की बनेगी, साइकिल का ही बनेगा, साइकिल की ही सरकार बनेगी इस बार यूपी में। बीजेपी वाले कहते सपने देख रहे हैं, सपने तो देखने उनको लग रहा है कि हम सपने देख रहे हैं, मगर सपने सच भी तो होते हैं, और इस बार सपना सच हो जाएगा पक्का। इतनी सीटें पूर्ण बहुमत से आएंगी, सीटें तो जो भी है पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, किसी को कुछ कहने का मौका नहीं मिलेगा इस बारी। तो ये तमाम लोग हैं कार्यकर्ता जो डोर टू डोर जा रहे हैं, क्या स्थिति देख रहे हैं किशन पाल जी इस वक्त? आप लोग डोर टू डोर जा रहे हैं, क्या माहौल मिल रहा है? क्या वही जो माहौल रैली में अखिलेश यादव की रैली में देखने को मिला था, क्या उसी तरह का? देखो अखिलेश यादव जी पर भरोसा है, और साहिबाबाद विधानसभा में पंडित अमरपाल शर्मा जी वो समाज इंसान है जिन्होंने कोरोना काल में उनका बच्चा अपना बच्चा हॉस्पिटल में पड़ा था, कोरोना हो गया था, गैस की जरूरत थी, वेंटिलेटर पे था, और विधानसभा की जनता के लिए उन्होंने जो गैस की व्यवस्था करवाई, गुरुद्वारे में सब सिपाहियों को खड़ा करके और जनता के लिए खड़े रहे,
तो वो आदमी को यहाँ जनता लाइक करती है, जनता चाहती है कि हमारा ऐसा विधायक बने। वर्तमान विधायक जो है उससे यहाँ की जनता दुखी है। वर्तमान विधायक जो है उसकी विधायक निधि वापस चली गई। पार्कों के आज वो इस हाल है कि वहाँ गंदगी। ये शहरी लोग हैं, इनको क्या चाहिए? इनको सिर्फ पार्क चाहिए, वातावरण शुद्ध चाहिए, यहाँ पुलिस व्यवस्था ठीक चाहिए, तो वो चीज़ चाहिए। न यहाँ पुलिस व्यवस्था ठीक है, न पार्कों की स्थिति ठीक है, न कॉलोनियों को डेवलपमेंट कोई इन्होंने सोचा। इनका पार्षद से लेकर और प्रधानमंत्री तक इनका है। और ये साहिबाबाद विधानसभा सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा है, क्योंकि इनकी जो जमीन से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक इनके हैं, इन्होंने कोई काम नहीं किया। सांसद यहाँ का नकारा है, विधायक यहाँ का नकारा है, और यहाँ का यहाँ तक कि पार्षद भी नकारा है। यह पार्षद तीसरी बार ट्रम चल रहा है इसका। इसने भी इन गलियों में अगर देखोगे तो लोगों ने अपनी सुविधा करवा रखी है पानी के लिए। कानून व्यवस्था पे आप जो है सवाल खड़े कर रहे हैं, वो उन्हीं की दुहाई देते हैं, डंके की चोट पे कहते हैं कि सबसे ज्यादा उनके कार्यकाल में दुरुस्त हुआ कानून। तो कानून व्यवस्था का जो क्राइम रेट है उसे कौन देखेगा? मीडिया को दिखाना चाहिए। मीडिया उनके गुणगान में चाटुकारिता में लगी है। जनता जो अपनी तरफ से व्यवस्था पा रही है वो देख पा रही है। इनके अखिलेश यादव जी के और इनके में डबल का फर्क है। इनके जो है आज 4 लाख से ऊपर इनके यहाँ बलात्कार, मर्डर, क्राइम जैसी घटनाएं हुई हैं, और अखिलेश यादव जी को उस समय में 2 लाख भी नहीं हुई थी। तो क्राइम तो डबल बढ़ा है ना। बेटियों के बलात्कारियों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं ये। उत्तर प्रदेश की जनता दुखी है। ये जो लोग हैं जो चिल्लाते नहीं, बोलते नहीं, समय को समझते हैं और समय पर वोट दे के भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से पाया करेंगे, क्योंकि इन लोगों को सुरक्षा चाहिए, इन लोगों को विकास चाहिए। ये लोग वो है कॉलोनियों में जो टैक्स देते हैं, और टैक्स का इन्हें बेनिफिट क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, जीरो है। टैक्स के पैसे का प्रधानमंत्री 8.5 हजार करोड़ का हवाई जहाज खरीद के लाते हैं। प्रधानमंत्री जी जो है 20 लाख करोड़ का पार्लियामेंट बनाते हैं। प्रधानमंत्री जी 12 लाख की गाड़ी पर चलते हैं। हमारे योगी आदित्यनाथ जी 3.5 हजार का दिया जलाते हैं। तो इन लोगों को सुविधा चाहिए। मंदिर सबके घरों में है, आस्था भगवान में सबकी है। ये लोग ये चाहते हैं कि हमें सुरक्षा व्यवस्था ठीक मिले, हमें महंगाई बहुत ज़्यादा ना मिले, हमारा टैक्स पैसा हमारे लिए खर्च किया जाए। तो इन लोगों को सरकारों से ये आशा होती है। सरकार क्या करती है? हिंदू मुसलमान को लड़ाती है। सरकार क्या करती है? आपस हमारे जो बच्चे हैं उनको रिवॉल्वर देने का काम कर रही है, एक भगुआ आंक्षा देने की काम कर रही है। तिलक लगा के आपस में लड़ो, मरो, विकास की बात ही मत करो। मैं ये कहता हूं अखिलेश यादव जी जैसे लोग आएंगे तो विकास की बात करेंगे। यहां जाति की बात नहीं होगी, बिरादरी की बात नहीं होगी, धर्म की बात नहीं होगी। यहां शिक्षा की बात होगी, स्वास्थ्य की बात होगी, रोजगार की बात होगी। और सबसे बड़ी बात यह है, जो गरीब का बच्चा है स्कूल में नहीं 2 साल से जा पाया, या तो उनको घर बैठने के लिए पढ़ने के लिए टैबलेट दी जाएगी, और नहीं तो शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। सैपाई अखिलेश यादव जिस सैपाई से आते हैं उस व्यवस्था को देखो आप, और जहाँ नखलाऊ में वो रहते हैं नखलाऊ की व्यवस्था को देखो आप। नखलाऊ में विकलांगों के लिए ऐसा स्कूल बनाया है कि जैसे यहाँ BIP स्कूल नहीं है। स्कूल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। तो ये लोग डोर टू डोर जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं लोगों से, जो है अपने खास करके अखिलेश जी के जो अनाउंस किया है उसके बारे में बता रहे हैं। अब देखना यही होगा कि पहले चरण में आखिर जो है कौन आगे है। आप देखना ये भी होगा कि आखिर 10 मार्च को सरकार किसकी बनती है। मोहम्मद आसिफ, आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपका यूपी इलेक्शन से लेकर कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। धन्यवाद।